अस्सलामुअलैकुम। ये देखें, ये दरवाज़ा खोला और सामने जो है ये पिटी साहिबा के बच्चे जो हैं यहाँ पर खेल रहे हैं और बड़ी अफरा तफरी इन्होंने मचाई हुई है। कभी गमलों में घुसते हैं, कभी पौधों को ख़राब करते हैं। और जनाब मैं आई हूँ कहीं, तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। देखें कितने बादल आए हुए हैं और कराची में देखें बड़ी अच्छी सो शाम हो रही है और किसी वक्त भी बारिश हो सकती है। बारिश के बाद बड़े अच्छे हो जाते हैं पौधे धुलधुला के खूबसूरत। और ये देखें इतने अच्छे पौधे हो रहे हैं धुलधुला के। फिर एक अदद आपको मैं नींबू का पेड़ दिखाती हूँ। देखिए गमले में लगे, माशाल्लाह इसमें इतने नींबू लगे हुए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े अच्छे और रसदार हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा ये पौधा चल रहा है नींबू का इनका। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितना अच्छा और कितना ये बड़ा है नींबू। बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है और बस इस मौसम में दिल करता है आप कहीं बाहर निकलें। सारे पौधे धुलधुला के बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। बस इंतज़ार है अब किसी भी लम्हे बारिश हो सकती है कि, और बारिश तो बहुत ही मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। ये देखें तो बस बारिश स्टार्ट हो गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत बादल, लेकिन दूर दूर हो गए होंगे। और वैसे तो प्रेडिक्शन थी कि बारिश बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी और यही गनीमत है कि कम से कम यहाँ बारिश हो रही है। कराची में तो जब बारिश हो जाए तो पूरा कराची डूब जाता है सैलाब से लबरेज, सड़कें हो जाती हैं कि बे इंतहा सड़कों का बुरा हाल है। बस इस मौसम में बस दिल करता है गरम गरम चाय, गरम गरम पकौड़े और वही मज़ा देते हैंगे। तो बस उसके बाद जो है जनाब चाय पी और पकौड़े बन गए थे तो पकौड़े खाए। इसके बाद जनाब इधर से फारिग हुई हूँ तो फिर मैंने घर जाना था। लेकिन रास्ते में हो गई ना, ये साफ धुलाई, लेकिन कहीं कहीं पानी भी अभी तो रुक गई है, अब तो खाली हो गई।